हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे अपनी स्कूटी का एयर फिल्टर कैसे साफ़ कर सकते हैं, एयर फिल्टर कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एयर फिल्टर कब ख़राब होता है और कब वो उसमें डस्ट होती है, ये आपको टाइम पर पता लग जाता है कि आपकी जब जैसे व्हीकल चलता है उसमें, या तो आपके व्हीकल में एवरेज नहीं आ रही, आपका जो भी आपके पास स्कूटी है वो एवरेज नहीं दे रही, या फिर वो काफ़ी भारी चल रही है। तो आप सर्विस के बीच में इंटरवल से पहले भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखिए रहे दोस्तों वीडियो को एंड तक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि एक्टिवा का एयर फिल्टर आप घर पर कैसे साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इसका बोनट तो पहले ही उतार लिया, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एयर फिल्टर को कैसे बाहर निकाला जाता है एक्टिवा के। तो एयर फिल्टर बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। ऐसा जो स्क्रू ड्राइवर 4 कट का होना चाहिए। उसके बाद हमें आपको ये नट दिख रहे होंगे, ये नट रहा जी 2, 3 और एक ये रहा जी, ये यहाँ पे 4 और एक ये नीचे 5 और एक ये 6 बोल्ट। हमने इस एयर फिल्टर के 6 बोल्ट हैं, 6 के 6 बोल्ट करके एक एक करके खोल लेने हैं। जल्दी से एयर फिल्टर खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कितनी डस्ट है। दोस्तों, अब हमने इसके 6 के 6 नट बोल्ट तो खोल लिए हैं जी। ये रहे दोस्तों इसके 6 बोल्ट, इसको हमने इसको ऐसे साइड में रख देना है, यहाँ पे एक साइड में, और ये स्क्रू ड्राइवर को भी। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, बड़े प्यार से इसको ऐसे देखिए दोस्तों, इस एक्टिवा का एयर फिल्टर हो चुका है चोक, इसको ध्यान से देखिए, ये आपको डस्ट दिख रही होगी, देखिए कितने डस्ट है। और यह है इस एक्टिवा का एयर फिल्टर, जिसमें पूरा के पूरा ऑयल आके, ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा ऑयल आके ये चोक हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉर्मल चोक है, ये चल जाएगा या नहीं चलेगा आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, कि एयर फिल्टर चोक होने के बाद अगर रिपेयरिंग होती है उसकी, या फिर ये सीधा नया डलता है, ठीक है जी। तो मैं पहले इसको एक बार क्लीन करके देखता हूँ हवा के साथ, अगर ये साफ़ हो गया तो मैं इसको यही चलाऊँगा, अगर ये साफ़ नहीं हुआ तो मैं इसका एयर फिल्टर नया डालूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँगा नया और पुराना एयर फिल्टर कैसा है, ठीक है जी। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो को एंड तक। तो ये तो आपने देखिए दोस्तों इसमें कितनी डस्ट है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको क्लीन कैसे किया जाता है, ठीक है जी। ये मेरे पास एक एयर गन है जिसके साथ इसकी सफाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये ज़्यादा चोक होता है, इसमें ज़्यादा ऑयल होता है, तो मैं इसको नया डाल देता हूँ। दोस्तों, ये हो गया बिल्कुल क्लीन, आपने पहले देखा होगा इस पर कितनी डस्ट थी, और अब देख ही लिया आपने कैसे किसी के ऊपर कितनी डस्ट है। अब मैं इसकी जो आपको साइड में है इस जगह पे अच्छे से कपड़ा मार के इसकी सफाई करके बाकी की भी, और इसको फिर फिट करते हुए दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी बाइक या स्कूटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।
दोस्तों हम इसकी कॉर्बेट जो एयर फिल्टर था इसके साइड से भी अच्छे से कपड़ा मार के इसको ऐसे साफ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब ये हो गया कार्बेट एयर फिल्टर हमारा बिल्कुल साफ। एयर फिल्टर हो चुका है हमारा बिल्कुल साफ, ठीक है जी। अब हम इसके एयर फिल्टर का जो बॉक्स है इसकी भी हम अच्छे से सफाई कर सकते, इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। यही डस्ट ये जो आपकी स्कूटी है आपकी बाइक है ये इसमें एयर फिल्टर जो है फेफड़ों का काम करता है, ये आपकी स्कूटी में साफ हवा भेजता है। अगर ये चौक हो जाएगा तो आपकी स्कूटी की एवरेज कम हो जाएगी और ये चलने में अच्छी नहीं चलेगी और रास्ते में चलते बंद हो जाएगी। दोस्तों ये हो चुका है एयर फिल्टर का बॉक्स बिल्कुल साफ। अभी इसका साइड का बाहर वाला कवर भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस पर कितनी डस्ट है दिख रही है, ये सारी डस्ट को अच्छे से साफ कर लो इसी कपड़े के साथ। इसके अंदर से भी आपको जितनी डस्ट दिख रही है ना ये कपड़े के साथ सारी बाहर निकाल देते हैं। अगर कपड़े के साथ ना निकले आप इसको पेट्रोल के साथ या फिर नॉर्मल पानी के साथ धो के इसको सुखा भी सकते हो, लेकिन आपको फिल्टर को नहीं धोना। फिल्टर सिर्फ या तो नया डालना है आपको या फिर आपको क्या करना है कि एयर के साथ उसकी जो डस्ट है उसके ऊपर जमी हुई उसकी सफाई करनी है। देखिए दोस्तों पहले ये कैसा दिख रहा था आपको, अब देखिए ये हो चुका है बिल्कुल साफ। अब मैं आपको एक बार फिर भी दूर पास से दिखा देता हूँ, ये रहा फिल्टर बॉक्स, देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ है। और ये है हमारा साइड का बॉक्स जो बाहर वाला बॉक्स है जिसपे जो ढक्कन है एयर फिल्टर बॉक्स का। तो अब हम इसको जल्दी से एयर फिल्टर को फिट कर देते हैं, आपको फिट करते दिखाते हैं। ये हो गया दोस्तों एयर फिल्टर हमारा फिट, ठीक है जी। आपने इस पर देखी है पहले कितनी डस्ट थी, अब देखो देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ हो चुका है। उसके बाद हमें इसका इस कवर को लगा देना है, ठीक है जी। और जो इसके छः के छः बोल्ट थे ये ऐसे, हमने छः के छः बोल्ट को ऐसे ही एक एक करके लगा देने। तो फ्रेंड बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हो चुका हमारी बाइक का स्कूटी का एयर फिल्टर बिल्कुल साफ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको टाइम पर मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।